सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों। देखिए, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास नाइन्थ हिंदी क्षितिज और अध्याय पाँच, जो कि हम लोगों ने कुछ प्रारंभ भी किया था। और अध्याय का क्या नाम था? नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। ठीक है, कहानी आधारित है किस पर? विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब पर। ठीक है, जिनकी एक छोटी सी बच्ची एक सैनिक से, अंग्रेज सैनिक से सवाल जवाब करती हुई रहती है। तो देखिए, हम लोगों ने कहाँ तक समाप्त किया था कि यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है, मतलब बेटी मैना है। नाम है, देखिए सेनापति का क्या नाम है? हे, कल मैंने बताया था। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री। मेरी पुत्री का क्या नाम था? मेरी। कुछ नाम अटपटा सा है लेकिन आप लोग याद रखिएगा, सेनापति का नाम है हे और पुत्री का उसका क्या नाम था? मेरी। ठीक है, तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो, मतलब साथ साथ पढ़ने वाली हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल औटरम वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने बिगड़ कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति हे ने विनयपूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? किसने बोला? सेनापति हे ने किसको बोला? औटरम को बोला। औटरम क्या बोले? कि गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है, नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति हे क्या बोले? तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल को इस विषय का एक तार देना चाहिए। ठीक है, पुराने ज़माने में मैसेज को मतलब कि पास आउट करने के लिए टेलीग्राम से संबंधित, पोस्टल डिपार्टमेंट से संबंधित एक तार माध्यम हुआ करता था। औटरम उसमें लिखित हुआ करता था, टेक्स्ट मैसेज ही, तार मतलब वायर न समझ लीजिएगा आप लोग। औटरम बोला, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति हे मन में दुखी होकर वहाँ से चला गया। इसके बाद जनरल औटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था, लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह लंदन है। ठीक है, कि मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल औटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत खूंखार नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है, जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया उसकी कन्या के लिए क्षमा, अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में
वृद्धावस्था में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहां कहीं मिले मार डाला जाए। नाना के जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। 1957 के सितंबर मास में महीने में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भगनवा वशिष्ठ प्रसाद के मतलब टूटे फूटे उस महल के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल रूपधारी मतलब विकराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी ओर न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, एकदम गंभीर स्वर में बोली, दुखी स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भर कर रो लूँ। पर पसान हृदय वाले, पत्थर हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने न दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहास वेता मतलब महाराष्ट्र के इतिहास को जानने वाले महादेव चिटनविस के बाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सब ने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया पढ़ा, और अब नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।